सीबीएसई क्लास टेंथ का आज साइंस का पेपर था आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा मैं आप लोगों को जो फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन जो हमारे आते हैं एमसीक्यू और रेजर्स रीजन उनके आंसर जो मैं बताने जा रही हूँ आप फटाफट उसे मैच कर लो और कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजे तो ये सेट नंबर है हमारा थर्टी वन ऑब्लिक फाइव ऑब्लिक वन इसका जो सेक्शन ए है मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको आंसर्स बताने जा रही हूं सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सी सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर है डी क्योंकि इन्होंने पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा नहीं है ये पूछा था तो डी आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है टू टूथिनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है तो थर्ड का आंसर आ गया ए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर रखी है तो ऑप्शन है बी सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा इसका आंसर है ट्रांसलोकेशन सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन एट ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आपको पता है नोज में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्मेल से रिगार्डिंग है ये इनकरेक्ट बताना था प्लेसेंटा का तो प्लेसेंटा के लिए इनकरेक्ट क्या है यहां पर इन्होंने मेन्शन कर दिया स्मॉल सर्फेस जबकि लार्ज सर्फेस होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन टेंथ टेंथ क्वेश्चन में ब्रेड माउल्ड ऑन स्लाइस ब्रेड ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में इसका आंसर आएगा ए इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ब्राइटनेस ऑफ द स्किन ऑफ द इमेज विल रिड्यूस यानी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रोसेसिस इन्वॉल्व होती है रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी ऑप्शन बी थर्टींथ क्वेश्चन में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम ग्लास मिनिमम किसका रहता है तो ऑप्शन ए आ गया फोर्टींथ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछ रखा उसका है उसका ऑप्शन है सी 15th का आंसर आंसर है 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 है. है हमारा a, हमारा क्वेश्चन में तो तो जो वो नहीं है. Assertion reason की बात करें तो assertion reason है, पहला केमिस्ट्री का है सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी और जो वेजिटेबल ऑयल है जनरली हैचुरेटेड कार्बन चेन तो दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है सेवेंटींथ का हो गया बी ऑप्शन नाइनटीन क्वेश्चन जो है इसका है बी फिजिक्स का है ये दोनों करेक्ट हैं पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसका है बी ठीक है तो सेट टू के आंसर्स के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं थैंक यू हैव ए नाइस डे